अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं हकीम खान, फाउंडर जनरल सेक्रेटरी सुल्तानपुर एकता मंच मुंबई। आज आप लोगों के सामने किसी मकसद को लेकर के हाजिर हुआ हूँ। पिछले एक साल से कोरोना का कहर हमारे इंडिया में क्या पूरे विश्व में आया हुआ है, और यहाँ पर गोंडी में कुछ राशन दुकानदार राशन देने में लोगों का राशन चोरी कर रहे हैं और उनको पूरा राशन नहीं देते जितना सरकार ने अलॉट किया है। उस राशन को पूरा दिलाने के लिए कुछ एनजीओस और कुछ सोशल एक्टिविस्ट मिलकर 22 मार्च 2020 से एरिया में घूम घूम करके लोगों के बीच में अवेयरनेस फैला रहे हैं और लोगों को पूरा राशन दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये काम करते हुए कुछ दुकानदार गुंडागर्दी पर उतर आए हैं, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जबकि इस मुहिम में सुल्तानपुर एकता मंच भी पूरी तरह से उनके साथ है। और मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, राशन दुकानदारों से भी अपील करना चाहता हूं, क्योंकि यहां के जो जिम्मेदार हैं, जो राजनीतिक में जिम्मेदार हैं, जो यहां पर बैठे हुए हैं, उनके मेरा कहना मतलब उनके बीच में आने उनकी तंबीह देने के बावजूद भी, उनके इंस्ट्रक्शन देने के बावजूद भी, उन्होंने रिटर्न में कंप्लेंट बुक में उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिया था कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद भी राशन दुकानदार उनकी बातों तक को नहीं मान रहे हैं। तो मजबूरन सोशल एक्टिविस्ट को आना पड़ा लोगों के अंदर अवेयरनेस डालने के लिए कि सरकार कितना कोटा तुमको दे रही है, तुमको कितना मिलना चाहिए, तुम कितने के पात्रता, कितनी तुम्हारी पात्रता है। इसके बावजूद, अवेयरनेस डालने के बावजूद भी, जब पब्लिक वहाँ जाती है तो दुकानदार कहते हैं या तो राशन ख़त्म, अगर इतना मांगोगे तो तुम्हारा राशन कार्ड कैंसिल कर देंगे। उन लोगों के बहकावे मत आओ। मैं जनता से भी अपील करूँगा और यहाँ के जिम्मेदारों से भी अपील करूँगा और यहाँ के जो भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनसे भी ये अपील करूँगा कि अपने आइडियोलॉजी को भूल करके समाज की भलाई के लिए, गरीबों की मदद के लिए एक हो जाएं, और जो मुहिम चल रही है लोगों में अवेयरनेस फैलाने की रेशनिंग के लिए, उस पर हम सब का साथ दें। इसमें कई एनजीओ शामिल हैं, ये ना समझें कि अतीक खान साहब अकेले काम कर रहे हैं, उनके पीछे सारी एनजीओस काम कर रही हैं। और ये कोई दुकानदार ये ना समझे कि उनको डरा धमका करके उनको बैकफुट पे लाया जा सकता है। बैकफुट पे उनको आना पड़ेगा और ईमानदारी से उन गरीबों का राशन उन तक पहुंचाना पड़ेगा। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ, गोंडी जो है, गोंडी एशिया का सेकेंड नंबर का स्लम एरिया है। यहाँ पर लोग वैसे भी रोजी रोजगार से कोरोना की वजह से उनका जो आमदनी का ज़रिया है वो बंद हो चुका है, उनको सिर्फ खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों की इमदाद भी पिछले साल के मुकाबले इस साल कम आ रही हैं। अगर इस दरमियान गवर्नमेंट ने उनको रिलीफ दिया है 2 महीने के लिए फ्री का राशन, या जो उनका पहले से रेगुलराइज कोटा है, जो लगातार उनको कोटे हर महीने मिल रहे हैं, उसमें भी राशन दुकानदार अगर चोरी करेगा या उनको पूरी तरह से नहीं देगा तो गरीब जनता जाएगी कहाँ? अगर उसमें हम मदद करने के लिए, कुछ लोग मदद करने के लिए, आतिक सर ने इनिशिएटिव लिया, वो लीड कर रहे हैं, अगर ये काम कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? उसके बावजूद भी लोगों को मदद करने के बजाय लोग उनके विरोधी बनते जा रहे हैं। मैं लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप हमारा साथ दें और लोगों को उनका पूरा राशन दिलाने की पूरी मदद करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।